और कंगना का तो पूरा नाम ही अगर आप ले देंगे तो उसकी हस्ती आपको समझ में आ जाएगी। कंगना राणा, जिसको हमने पैसे देकर नचनिया बनाया है, अब बिना पैसे में भी नचाना जानते हैं। अब क्या है, रिहाना का आ गया ना, इसलिए ना ज्यादा दिक्कत हो गई कि अरे ये कैसे कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो हिंदू मुस्लिम में दरार डालते आए थे, तो इसलिए फोकस बन गया इनका। मैं कहता हूँ ना, पूरा देश एक हो रहा है। जब आपको पता है, जब तक आपके घर में आपका पिता आपको मारता है तो पड़ोसी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब ज्यादा जुल्म हो जाता है तो पड़ोसी निकल के आता है, कहता है ये बच्चा सही है, बाप गलत कर रहा है। तो हुकूमत को समझना होगा कि बहुत गलत कर लिया आपने हमारे साथ, अब ये आपकी गलतियां बर्दाश्त से बाहर निकल चुकी हैं, और अब सबक सिखाने के लिए हम सब खड़े हैं। हमने तो अहिंसा का रास्ता चुना था, पर हिंसा तुमने फैलवाई। आज आपका शोषण कोई नहीं कर रहा, इंसान ही इंसान का शोषण कर रहा है, और इसको हम लाके रहेंगे। तभी मैंने कहा है कि हम लाके रहेंगे क्रांति, अब आके रहेगी क्रांति। अब किसान क्या मांगे, क्रांति। अब देश मांगेगा क्रांति, और ये क्रांति अच्छी बात है। वो बता रही है कि देखो, नंगों का चेहरा दिखाने के लिए कुछ लोगों को आना पड़ता है, वो पोर्न स्टार है ना, उसने बताया। आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो आज मियां खलीफा को आपके लिए बोलना पड़ा? आप जाके उसका पेमेंट नहीं देके आए थे क्या? पंडित मियां खलीफा आपके विरोध में खड़ी हो गई है, तो पेमेंट दिया मियां खलीफा को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट आए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही थी कि ये चंद जो इलाके के किसान है, चंद किसान है। अब आपको कहीं लगता है कि इसकी ताकत बहुत दूर तक जा चुकी है आंदोलन? यार ये ताकत तो 26 जनवरी पर ही बहुत तगड़ी थी। अगर मैन स्ट्रीम मीडिया में, फिर कह रहा हूँ, 3 लाख ट्रैक्टरों को दिखा देता, 60 लाख लोगों को दिखा देता, तो वैसे ही सैलाब आ जाता। मैन स्ट्रीम मीडिया अगर अपना जमीर बेचकर जो आज काम कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका ये सब ड्रामा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जमीर बेचा है, लेकिन हमारा जमीर जिंदा है। हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे, तुम अपनी जमीन तो सरकार की गलतफहमी अब दूर हो गई होगी, अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट जो आ रहे हैं उनसे। यार सरकार की गलतफहमी तो पहले भी दूर हो गई थी, तभी तो उन्होंने इस आंदोलन को गलत रूप देने का प्रयास किया। मैंने आपको पहले भी, आप मुझसे 45 दिन से जुड़े हुए थे, मैं बार बार कह रहा था, मैन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है वो होके रहेगा। वो बार बार खालिस्तान वाली बात कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था हिंदू बनाम सिख ये करवाएंगे। और जब लोगों ने मुझसे पूछा था इस विषय को लेके कि भाई साहब क्या सरकार डर गई है, जो उसने 26 जनवरी परेड की बात कही है, तब मैंने कहा था सरकार डरी नहीं है, सरकार कूटनीति करेगी, और सरकार कुछ ऐसा करेगी किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा। और मैं आगे के लिए भी आपको सजग कर रहा हूँ। अब एक और बात चल रही है खालिस्तान के संग आतंकवाद की, मैं देख लेना, आप इस बात को नोट कर लीजिए, इजरायली असेंबली के पास धमाका हुआ है, और ऐसा ना हो ये साजिश फिर रचे और कई आतंकवादी इस आंदोलन में पहुंचा के इस आंदोलन को खाली करवाने की बात करें, ये कहें कि आतंकवादी इसमें कूद गए हैं और यहाँ पर ये गोलियां बला चलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचलेंगे। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा है कि पूरा देश बेच दिया, आज पूरा देश में क्या है, कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास, अब बचिया तो सिर्फ मातृभूमि। अगर मातृभूमि को बचा लिया तो सब बच जाएगा, नहीं तो आपके घर के बीबी माओ की अस्मतें लुटने वाला वक्त आ गया है, जरूरी है आज एक साथ खड़े होना, नहीं इनको भी बेच देगा। और इसने तो कहा था मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, ये झोला में क्या क्या है हमें पता है, ये झोला स्विच बैंक में रखा हुआ है इसका, और सारा पैसा इसने वहां रख दिया। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा भिखारी है जो कटोरा पकड़ कर खड़ा है। देखिए, सिख समुदाय ने पूरे कोरोना काल में देश को खाना खिलाया था, पूरे देश को, और ये हमारा भिखारी प्रधानमंत्री उस समय बताए हम लोगों से पैसे मांग रहा था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक से 76 अरब रुपए लेके आया था। बताइए क्या जरूरत पड़ गई इन सब चीजों की? आप वो छोड़िए, ये बताइए इंटरनेशनल लोग जो इसमें, मैं मोदी को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको छोड़ सकता, मोदी को नहीं छोड़ूंगा। एक प्रकार से उनका दोहन करने की नीतियां आई, ये बताइए ना, कृषि बिल इसीलिए तो लाया गया है। कृषि बिल का आप पहला चीज तो समझ लीजिए, जमाखोरी, जहां पर ये पहला जो कानून है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, ये जमाखोरी को बढ़ावा देगा। और 1955 में जमाखोरी अपराध होती थी, और अपराध को जो बढ़ावा दे वो अपराधी होता है, तो मोदी कौन हुआ? अपराधी हुआ, अपराधी। आपके हिसाब से तो आप लोग भी हैं, 26 जनवरी को सब गड़बड़ कर दिया सर, आरोप है आप लोगों पर। अगर हम अपराधी है तो दीपक पांडे ऐलान कर रहा है आप लोगों के सामने, अगर हमने गुनाह किया है तो रात के अंधेरे मत मारना, जब मर्जी हो। मैंने साफ साफ कहा, इनने पहले भी मुझे तिहाड़ में 3 महीने डाल के रखा था, मैं ऐलान करता हूँ मोदी तुझको, गीदड़ है
तू गीदड़ और तू ले चल मुझे और लाल किले पर बांध के मार देना, मैं मरने तैयार हूँ, शहादत देने तैयार हूँ, मेरे खून का खतरा खतरा किसानों के काम आएगा और मैं लड़ूंगा। अपनी सांस की आखिरी लय तक इस काले कानून को वापस कराने के लिए लड़ूंगा और आरएसएस के संगी जंगी समझ लो तुम्हारी नेकर उतर जाएगी अगर हमने गोरिल्ला वॉर कर दिया तो। ये 40 लाख ट्रैक्टर की निकालेंगे, 4 लाख तो संभाल ना पाए आप लोग, 40 लाख संभाल लेंगे क्या? देखिए हमने तो 3 लाख भी संभाल लिए थे, लेकिन साजिश तो बीजेपी और आरएसएस की साफ हुई ना भाई। मैन स्ट्रीम मीडिया तो जो दिखा रहा था उसने वो करके दिखाया, आप बताइए रैली पूरी सफल हुई? किसी ने रैली में ये दिखाया कि हमारी रैली में जो 3 लाख ट्रैक्टर में से 1,100 ट्रैक्टर जो वहाँ गए होंगे वो भी आप तय रूट पर बैरिकेड्स लगाए, आपने लाल किले की ओर लेकर गए, पुलिस वाले भी लेके गए, आज जवान और किसान को आपस में लड़ाने का काम करा इस सरकार ने और लौटने वाले रूट पर आपने बैरिकेड्स लगा दिए। मैडम मैं आईटीओ पे ही था, मेरी टांग में भी 3 डंडे पड़े हैं और मैंने भी वहाँ पर कई लोगों को बचाया अपने साथ में, इसके बाद में 2 दिन क्या कहते हैं वहाँ से आया नहीं था। और ये मैं फिर आपको साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, हिंदू बनाम सिख करने का पूरा प्रयास था, गोली भी और डंडे भी बिल्कुल सिखों को देख के ही मारे इनने, ये साफ साफ आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी पे। सिख की वीडियो वायरल हो रही तलवार लहराते हुए उस पे, वो मैं बता देता हूँ, ये लोगों को समझना होगा, गुरु गोविंद साहब की सबसे प्रिय सेना थी निहंग सेना, अगर निहंग सरदार नहीं आते तो जाने हम पे कितनी बर्बरताएं होती, डंडे मारोगे, लाठी मारोगे, आज गैस के गोले छोड़ोगे तो क्या हम आत्मरक्षा में बचाव भी ना करें और उस बचाव को आप हिंसा कहोगे? अरे हिंसक तो ये लोग हैं जो हमें बार बार उकसा रहे हैं, मैं तभी कह रहा हूँ इतना मत उकसाओ, ये इंकलाब की लड़ाई आग में बदल जाओ और अगर आग लगेगी ना तो घर सबके हैं इस देश में, सबके घर। इंटरनेट बंद है, आंसू छलकेगा, बाहर तस्वीरें भी नहीं। मैडम आप भी जरा अच्छे से रहिएगा, अघोषित आपातकाल चल रहा है, सच दिखाने वालों को भी सरकार जेलों में डाल रही है, है ना? तो आप सब भी जरा बच के रहिएगा और अगर कुछ हो जाए तो हमें पुकारिएगा। ये किसान अगर पेट की आग बुझाना जानता है तो सुरक्षा देना भी जानता है, अगर सरकार सुरक्षा ना दे पाए तो किसान के पास संयुक्त एकता मोर्चा के मंच पे आ जाइएगा, हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। बैरिकेडिंग पे कील लगा रही है, कभी हटा रही है, सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। देखो 1 मिनट, सरकार ने जो बैरिकेडिंग लगाई है ये दिल्ली वासियों को परेशान करने लगाई है, आम जन को परेशान करने के लिए लगाई है। हमने जब पहले भी बैठे थे 3 लेन खोल के रखी थी और इन्होंने ये पूरा सब कुछ बंद कर दिया जिससे दिल्ली वासी परेशान हो और वो ये कहें कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं जैसे हम आतंकवादी हों। हमें बार बार कह रहा हूँ, हम लोग खेतों में बारूद नहीं बोते, पिस्टल नहीं बोते, हम खेतों में अनाज बोते हैं। अगर हमने पिस्टल और बारूद बोना अगर शुरू कर दिया तो सारे सांसद विधायकों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या हैं। सर क्या लगता है आपको, ये जो किले बंदी है इसके पीछे की वजह क्या है? इस किले बंदी के पीछे की वजह है लोगों में दहशत फैलाना, लोगों में डर का माहौल बनाना, लेकिन जो लोग यहाँ है वो सब जानते हैं और जो सोशल मीडिया दिखा रहा है ना वो भी सच दिखा रहा है। मैं तो सुनता आ रहा हूँ कि ट्विटर एक साथ साफ कर दिए, सोशल मीडिया में पत्रकारों को गिरफ्तारी,